2014 के आम चुनावों में और प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अवैध घुसपैठ को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने वाली सत्तारूढ़ भाजपा ने दावा किया है कि पिछले 10 साल में एक भी बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत नहीं आया है। पार्टी ने ये भी दावा किया कि विवादित नागरिकता बिल देश में एक भी विदेशी नहीं लाएगा। भाजपा प्रवक्ता सौम्यल बरुआ ने कहा कि मेरा मानना है कि पिछले 10 सालों में बांग्लादेश से कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी अब खाड़ी क्षेत्र या यूरोप में माइग्रेट करना पसंद करते हैं क्योंकि वो भारत के मुकाबले वहाँ ज्यादा कमा सकते हैं। वहीं भाजपा के अन्य प्रवक्ता मोमिनुल लवाल ने कहा कि अगर नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होता है तो इससे कोई बांग्लादेशी भारत नहीं आएगा। नए लोगों को नागरिकता देने की कोई गुंजाइश या प्रावधान नहीं है। अवाल ने कृषक नेता अखिल गोगोई पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बिल के खिलाफ जो आंदोलन चला रहे हैं उसका मकसद बांग्लादेश से आने वाले अवैध मुस्लिम घुसपैठियों की मदद करना है।